दोस्तों राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स में जबरदस्त भिड़ंत होने के बाद राजस्थान की जबरदस्त जीत होने के बाद पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बड़े बदलाव हो गए। जहां कोलकाता नाइट राइडर्स को पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बड़ा नुकसान हो चुका और पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर पहुँच गई है, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स को काफ़ी बड़ा फायदा हुआ और अभी भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पहले नंबर पर बरकरार है और पंजाब किंग को भी नेट रन रेट में काफ़ी फायदा हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPL 2021 के पॉइंट्स टेबल के बारे में, आपकी फेवरेट टीम नए पॉइंट्स टेबल में कौन से नंबर पर पहुँच चुकी है। तो दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलो देखते हैं पॉइंट्स टेबल। पहले नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अब तक इस सीजन में 4 मुकाबला खेली और चारों ही मुकाबला जीतने के बाद 8 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर है। वहीं अगले नंबर दो नंबर की बात करो तो चेन्नई सुपर किंग्स है। चेन्नई सुपर किंग्स अब तक 4 मुकाबला खेली है, 4 में से 3 जीती है, 1 में हार का सामना करना पड़ा 6 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर। वहीं तीसरे नंबर पर है दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल अब तक 4 मुकाबले में 3 मुकाबला जीती है, 1 मुकाबला हारी है, नेट रन रेट थोड़ा सा खराब है CSK से, 6 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर है। वहीं चौथे नंबर की बात करो तो चौथे नंबर पर है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस अपना 5 मुकाबले में मात्र 2 ही मुकाबला जीत पाई है, 4 पॉइंट मुंबई इंडियंस के पास है। वहीं पांचवें नंबर की बात करो तो पांचवें नंबर पर है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स भी अब तक 5 मुकाबला के लिए 5 में से 2 सिर्फ जीती है, जबकि 3 में हार का सामना करना पड़ा है, 4 पॉइंट के साथ पांचवें नंबर पर है। वही छठे नंबर की बात करो तो छठे नंबर पर पहुंच चुकी है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स भी एक ऐसी टीम है जो अपने 5 मुकाबले में 2 मुकाबले जीत गए, लेकिन रेट थोड़ा सा खराब है, 4 पॉइंट के साथ छठे नंबर पर है। वही सातवें नंबर पर है सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद अब तक 4 मुकाबला खेली है, 4 में से सिर्फ 1 ही जीत पाई है और 2 पॉइंट के साथ ये टीम सातवें नंबर पर है। वहीं आठवें नंबर पर सबसे निचले स्थान पर है KKR यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स अब तक 5 मुकाबला खेल चुकी है और 5 में से 4 हार चुकी है, मात्र 1 ही मुकाबला जीत पाई है और 2 पॉइंट इस टीम के पास है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स का ज़बरदस्त बिड़त हुआ KKR के साथ और फाइनली कोलकाता नाइट राइडर्स को राजस्थान हरा कर पॉइंट टेबल में 2 अंक हासिल करके छठे नंबर पर जरूर पहुंच चुकी है। तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को काफ़ी बड़ा नुकसान होने के बाद ये टीम सबसे निचले स्थान पर पहुंच। वैसे दोस्तों आपको बता दूं और 2 मुकाबले होने वाले, लेकिन जो 3:30 बजे का मुकाबला होने वाला सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में होने वाला है। तो दोस्तों ये दोनों टीमों में से कौन सी टीम को आप सपोर्ट करने वाले हैं वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।